केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का मानना है कि सरकार ने मिलावटखोरी पर अंकुश लगाया है, इस कारण सरसों तेल के दाम बढ़ गए हैं। तोमर ने कहा, मिलावट रुकने से जनता को लाभ होगा, उसे 100% शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरसों के तेल के दाम बढ़ने की वजह का खुलासा किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ने सरसों के तेल में जो थोड़ी मात्रा में ब्लेंडिंग की छूट दी थी, अब उस पर अंकुश लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मिलावट पर अंकुश लगाने से केंद्र सरकार के फैसले से तिलहन का काम करने वाले किसानों को फायदा होगा और लोगों को 100% शुद्ध सरसों का तेल मिल सकेगा। उन्होंने कहा, खाद्य तेलों के दामों पर सरकार की पूरी नजर है। इससे पहले दलहनों के दामों में तेजी आई थी, सरकार ने स्टॉक ओपन कर दामों को कंट्रोल किया है। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है, जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नजर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तोमर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री व राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री को तय करना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब करना है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि नया कानून किसानों के हित में है, इसीलिए इस कानून को वापस लेने के मुद्दे को छोड़कर किसानों से बातचीत करने को आज भी तैयार हैं और उनकी हर समस्या को और गलतफहमी को दूर किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।